तो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र एमसीएस सीईटी 2024 का डेट डिक्लेयर हो चुका है। 14 मार्च 14 मार्च 2024 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। दिसंबर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, जैन फैब और मार्च बचा है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि फॉर्म कब तक स्टार्ट होगा फिल होना, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा। एग्ज़ाम डेट तो आ गया, लेकिन रजिस्टर करोगे तब तो एग्ज़ाम दोगे भैया, रजिस्टर करोगे नहीं तो एग्ज़ाम देने मिलेगा नहीं। तो रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, हमारे पास भर जाते हैं मैसेजेस, इतने मैसेजेस आ जाते हैं कि आप सोच नहीं सकते हो। तो अभी कब से स्टार्ट होगा, कब तक चलेगा, कितने टाइम मिलेगा हमें फॉर्म फिल करने को, लास्ट जो है प्रीवियस ईयर बहुत कम टाइम मिला था, मतलब 15 से 20 दिन ही आई थिंक मिला था फॉर्म फिल करने को, और बहुत ज़्यादा बच्चे का छूट चुका था फॉर्म। तो मैंने एक और वीडियो बना रखा है कब होने वाला है, तो बस आप निगाहें रखो सीईटी सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे। बहुत ही जल्द, मतलब कि हमें लगता है जनवरी लास्ट या फेब फर्स्ट वीक से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, ये श्योर है। जनवरी लास्ट या फर्स्ट वीक से, फेब के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा, और हमें इस बार लगता है कि फेब पूरा होने वाला है एग्जामिनेशन, मतलब फॉर्म पूरा फिल होने वाला है, रजिस्ट्रेशन होने वाला है पूरा फेब तक। तो ये हम लोगों का अनुमान है, पूरा फेब जाने वाला है। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, अभी आप लोगों को देखते रहना है कब स्टार्ट होगा, और जितना हो सके जैसे ही फॉर्म निकलता है आपके सर्कल में जितने भी हैं एग्जामिनेशन देने वाले सबको फॉरवर्ड करो। ऐसे तो हमारे सब्सक्राइबर है जितने, सबको नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। जो नीचे डिस्क्रिप्शन में एमसी ज्ञान का ऐप और फिर वेबसाइट है, वहाँ पर भी अगर आप लॉगिन कर रखे होगे तो आपको नोटिफिकेशन शो हो जाएगा जैसे ही फॉर्म फिल होना स्टार्ट होगा। इस बार छोड़ना नहीं है, याद रखना छोड़ना नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, हर एक बार जब डेट निकल जाती है उसके बाद फिर कॉल आता है कि अब क्या करें। उससे अच्छा है कि अभी जान लो, अब देखते रहना, जो मैं बता रहा हूँ वो करके रखो, डाउनलोड कर लो ऐप को, और फिर नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके मोबाइल स्क्रीन पे। तो जैन के लास्ट वीक या फेब के फर्स्ट वीक से आपका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी क्या करना है, अभी मैंने एक प्रिपरेशन 2 मंथ्स प्रिपरेशन प्लान की वीडियो बना रखा है, जा करके वो देखो कैसे आपको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से, आई बटन में मिल रहा होगा उसका लिंक, जाकर के वो वीडियो देखो जरूर से जरूर। और अभी ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो, मॉक टेस्ट जितना दे सकते हो दो। मॉक टेस्ट रेगुलरली अपलोड हो रहे हैं हमारे वेबसाइट पे जो है, अपलोड हो रहे हैं। एक मॉक टेस्ट हो गया, उसको दो एनालिसिस करो, फिर टॉपिक वाइज टेस्ट अपलोडेड है। चलिए दिखाई देते हैं एक बार क्या क्या है वहाँ पे। तो जैसे ही यहाँ पे आओगे MCGyan.in पे आओगे, जैसे ही यहाँ पे आओगे यहाँ पे देखो डॉट बैच है, MSCET.batch। यहाँ पे जैसे ही आप देखोगे तो मॉक टेस्ट है, एक मॉक टेस्ट अपलोड हो चुका है आज, एक मॉक टेस्ट अभी और अपलोड हो जाएगा। मतलब मॉक टेस्ट अब कंटिन्यू हर एक संडे या फिर वीक में 2 मॉक टेस्ट, मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट डालने की। मॉक टेस्ट आप दे सकते हो, फिर सभी का वीडियो लेक्चर्स है यहाँ पे, देख लो ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स के हैं यहाँ पे। फिर आपका कंप्यूटर का देखो, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का 2 लेक्चर हो गया, फिर आपका सी लैंग्वेज का 3 हो चुका है। फिर यहाँ पे देखो आप टॉपिक वाइज भी टेस्ट अपलोडेड हैं, कंप्यूटर के टॉपिक वाइज टेस्ट अपलोड हो रहे हैं, रीजनिंग के होंगे, इंग्लिश के होंगे, ये सब आपको टाइम पे मिल जाएगा। तो बस जाओ जल्दी से, नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ों का लिंक दिया गया है, जल्दी से हमारे कोर्स को विजिट करो, एक बार जरूर जा करके देखो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।